इसको वृद्धाश्रम छोड़ दो, ठीक है? तुमसे जो कह रही हूँ वो करो। अच्छा, बनाओ घर तेरा। मैं अब एक काम कर, ये जो है ना चप्पल साफ कर मेरी, चल देख ले। साफ नहीं करनी से पहना अभी, चल बैठ जल्दी पहना। अबे पहना पहना। यही हरकत रही ना तो तूने जो हरकत कर रखी है ना वो भी तेरे पापा है। तू तो जय जोरू का गुलाम, तू क्या तू क्या बोलेगा? मैं बताती हूँ ना क्या बोलेगा वो। मैं तो घर में रहेगा ना तो मेरी चप्पलें साफ करेगा, समझ में आई? ऐसा करे तो तुम्हारी तेरी भाभी भी ऐसी करेगी तेरे साथ, और क्या? मेरे घर के बारे में फालतू बोल रहा है तू, है बना बना ये हमारे साथ, समझ में आ गई? पीछे 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 हट के बात कर। कौन कौन हो भाई तुम? तुम्हें हक नहीं बनता? तुझे हक बनता है। गैर मर्द कोई औरत को छू नहीं सकता। अच्छा, गैर औरत अपने ससुर को कुत्ता बना के मार सकती है ना? ससुर है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये अंकल जी आए हुए हैं, इनको घर में इनकी बहू और बेटे परेशान कर रखे हैं, इनको खाना नहीं दिया जाता है और इनके साथ बहुत बदसुलूकी हो रही है। मतलब एक इंसान पूरी ज़िंदगी अपने बाल बच्चों को पालने के लिए खपा देता है और बुढ़ापे में इन लोग को ये नतीजा मिलता है। हर इंसान सोचता है कि आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, तो कल होकर के वो बच्चे बुढ़ापे के सहारा बने। आजकल बच्चे जो है ना वो बुढ़ापे के सहारा नहीं, बुढ़ापे में मरने का एक जरिया बनते जा रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, जो भी दिक्कत है आप एक ऑडियंस को बताओ, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत मतलब आपको इंसाफ मिलेगा। ऐसी बात है कि मेरी जो बहू है ना मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, खाना टाइम से नहीं देती, कभी कभी तो दो दो दिन का रखा हुआ खाना देती है, ठीक है। मेरे बेटे के सामने तो बहुत अच्छी बन के रहती है, जैसे बेटा बाहर चला जाता है जॉब पे काम पे कहीं भी आता है तो मेरे से इतना वो करवाती है घर का सारा काम, कहेगी बुढ़े झाड़ू लगा पोछा लगा, अपने कपड़े तक भी धोने को बोलती है, मेरे खुद को बोले तो लगा अपने कपड़े भी धुलवा। मतलब बहू अपना कपड़ा आपसे धुलवाती है? हाँ भैया, उसको शर्म नहीं है? बिल्कुल। मैं उसे बोलता हूँ बेटा तू क्या नाम है, देख तब तेरी शादी होकर आई थी तो कितनी अच्छी थी, है तेरे माँ बाप ने भी कितनी तारीफ करी थी कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर का स्वर्ग बना देगी, लेकिन बेटा तू तो मैं तेरे बाप के जैसा हूँ, तू ऐसे कहती है कहती है बुढ़े बाप बाप मत नहीं को उसमें मत कर मेरा, तू समझे ना मेरा बाप एक घर पे है वो बहुत है, और कुछ भी फिर ज़्यादा मारने भी लगती है कभी कभी तो, और गालियाँ तो बहुत गंदी गंदी गाली रहती है भैया, मैं क्या बताऊँ, बता भी नहीं जाता है, बताने भी नहीं। आजकल ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं भाई? भाई देखिए होता क्या है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि एक तरफ चीत है तो दोनों तरफ चीत होगा। चीत और पट होता है, ये नहीं है कि ये सही है जो बता रहे हैं वही सही हो सकता है। तो आप बेटा को बताते हो सब बात? मैं सोचता हूँ घर में क्या कलेश कराऊँ, मतलब कि अच्छा नहीं लगता कि उनमें आपस में, बेटा मेरा बाहर काम जाता है उसको वैसे भी वो टेंशन होती है, फिर मैं एक वो टेंशन दूँ, तो मैं सोचता हूँ सुधर जाए। अच्छा फिर अपने घर की, मैं तो आपको भी नहीं बताना चाहता कि मैं सोचता था किसी को क्या बोलूं। दिक्कत है तो आपको बताना चाहिए ना, कम से कम एक बार तो बताना चाहिए बेटे को। फिर मैं सोचा हो सकता है मैं बताऊं, फिर मेरे को बोलती अगर तू कुछ बोलेगा भी तो मैं तेरे पे इल्जाम लगा दूंगी कि तू मेरे साथ गलत नजर रखता है, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, तो इसलिए मैंने भैया आपका नाम सुना था तो मैं सोचा आप लोगों की हेल्प करते हो, तो मैं सोचा कुछ वैसे पहले प्रूफ उसके खिलाफ कर लूं फिर बेटे को दिखाऊं। अच्छा, तो आप प्रूफ लेने के लिए यहाँ पे आए? आप सच बता रहे हो ना कि आपकी बहू आपको परेशान करती है? हाँ भैया, आप बताओ मैं अपने घर की बदनामी खुद क्यों करूँगा, बताओ? मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं, तो मुझे पता है समाज में इज्जत सब कुछ, लेकिन अत्याचार कुछ ज्यादा बढ़ गया तो मैंने आपको बुलाया। तो यहाँ आपने कुछ गलत किया होगा? नहीं भैया, नहीं भैया मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं करा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपने यहाँ बहू को बुलाया है। हाँ भैया ठीक है, कैमरा ऑन है, देखो जो गलत होगा वो सामने आ जाएगा। अगर आप गलत होंगे तो आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है आप बैठो यहाँ पे, बहू आती है हम लोग पीछे हैं, पहले हम देखेंगे सिचुएशन को फिर हैंडल करेंगे, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ भाई, क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्यों बुलाया हमें यहाँ पे बताओ भाई, क्यों बुलाया तुमने? देखो बेटा ऐसा है कि देखो मैं मेरे पे बारे ये भी जो बहुत अच्छा अच्छा करती है। अच्छा, मैं समझा मजाक बहुत हो गया। तो यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने यहाँ पे? इसलिए ये बात घर पे नहीं हो सकती थी? इसको ना शौक हो गया है बाहर हवा करने का पूरे दूसरों के। बेटा मैं ऐसा नहीं, मैं तुम्हारे नाम क्यों खराब कर रहे हो भाई, यहाँ पे क्यों बुला रहे हो आप? बेटा मैं आपको घर में भी तो बहुत समझाता हूँ, बेटा ऐसा मत करो। तो यहाँ समझाओगे हमें समझ आ जाएगी? तुम्हें क्या लगता है? मेरी बात सुनो, क्या बात है बताओ, क्या बात है? बेटा घर का सारा काम करवाती है, कपड़े भी धुलवाती, झाड़ू पोछा करवाती है, करवाएगी वो, खाना भी करवाएगी वो। बेटा मैंने तुमको इसलिए तुम्हारे को पाल पोछ के तुम्हारे अच्छे के लिए करती हूँ मैं ये। तुम करोगे ना, तुम्हारे लिए सही है वो। अब बता रहा हूँ मैं, झाड़ू पोछा करूँ मतलब तुम्हें करना पड़ेगा, वो जो बोल रही है तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे अच्छे के लिए करवाती हूँ। सुन रहे हो,
मुझे सब कुछ पता, उल्टा मैं इसको बोलता हूँ कि काम करवाया कर उनसे। बेटा काम बाहर के काम करवा लो, कुछ बाहर से सामान मंगाना है, दूध मंगाना है, तो घर का काम भी करना पड़ेगा तुमको। ये चाहते मेरे को नौकरानी बना दे और कुछ नहीं है। क्या चाहते हो, नौकरानी बन के रहे वो, इसलिए शादी करी मैंने उससे। बेटा मैं नौकर मतलब मैंने इसलिए आपको पढ़ा लिखा के वो कर, इसलिए आपके शादी करके मैं इसलिए। तो बाप हो तो फिर करोगे ना। तुम्हें किसने नौकर बनाया, तुम्हारी तो हड्डियों का ध्यान रख रहे हैं हम, इस उम्र में खत्म हो जाएगी। तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहे हम, तुम्हें खाना नहीं खिला रही। ये मेरा खून पीने के लिए बस रखा हुआ है तुमने छाती में। मैंने आपको नहीं मतलब पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया, अब इस लायक तो क्या मतलब कौन सा एहसान कर दिया मेरे पे ये बताना जरा, कौन सा एहसान कर दिया? खुद के दम पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जब पैदा हुए थे तब सब खुद के दम पे काम करते थे तुम, तो पैदा क्यों किया था? सारा काम करना पैदा इसलिए किया था, तो बच्चा बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो अपने लिए अपने सेल्फिश होना कितने अपने लिए सोच के किया ना, उसके लिए क्या किया तुमने? तुमने तो अपना सोचा, अब भाई उसने अपने लिए सोच लिया, वो ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे बच्चे। एक बात बताओ क्या नाम, जो भी क्या सब इसके लिए तो कराया, जो भी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे लिए क्या किया है, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तुमने, मतलब तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। पहली चीज तो तुमने हमें यहाँ पे बुला लिया, ठीक है, उसके बाद तुम हमें परेशान कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारे से काम नहीं होता थोड़ा बहुत। तुम घर के काम करोगे तो तुम्हारा शरीर इस वक्त चलेगा, नहीं करोगे ना तो बैठ जाओगे पलंग पे, तुम्हारा भला सोचा मैंने तो। एज तो देख मैं 65 साल का हो चुका, इसलिए तो काम करवा रही हूँ, देख रहे हो ना, तुम्हारे लिए फायदा है, मेरे घुटने में दर्द हो। किसने बोला है यहाँ पे आने, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं? घूमने आते मेरे घुटने में दर्द होने लगा बहुत दर्द। अरे मेरा मूड खराब मत करे, घर जाओगे तो तुम वो करोगे, इसलिए तुम्हार में समझाने के लिए बुलाया मुझे, क्या बताओ यहाँ पे समझाने के लिए खींच के ये बात करने के लिए तुमने यहाँ बुलाया हम लोगों को, ये बात करने के लिए बुलाया तुमने? इसने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हें मेरे से शादी क्यों करी जब ऐसी हरकतें करनी थी? देख लो तुम्हारे वैसे क्या कह रही है मुझे, हैं? तो बेटा मैं समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तू मार रहा पता है, समझ नहीं आ रहा, यही हरकत रही ना तो छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे क्या बोल रही है वो, कल के तुम्हारे बच्चों के तुम्हारे साथ हम अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं लगाएंगे कि हमारी लाठी बनेंगे, हम अपने लिए खुद पहले करके रखेंगे और उनका भी करेंगे, समझ में आई? तुम्हें भी करना चाहिए था इतना, मैंने भी इतना कर सकता था, उतना तो किया है ना, और क्या करूं मैं? कुछ तो चुप जा बैठो, रोटी नहीं दे रहे क्या हम तुम्हें? क्या रोटी देते, दो दो तीन तीन की रखी हुई रोटी देते हो, क्या नाम है वो, खाई भी मुद्दा से चबाई भी मिल रही है ना, वही बहुत है तुम्हारे लिए। खुद छोड़ते हो थाली में तो वो झूठा क्यों खराब करूं मैं? मेरे को आना खराब करना अच्छा नहीं लगता, वही खाओगे जो छोड़ोगे। खाना फ्री में आता है, इतनी मेहनत से कमाता है वो, ठीक है, उससे रोटी बना के देती हूँ तुम्हें, 12-12 घंटे ड्यूटी करता हूँ तब क्या मिलता है तुम्हें खाने के लिए? खाना देते, दो रोटी देते, दो दिन के दो दो बज जाते, नाश्ता भी देते जो टाइम से, क्या रोटी देते आपके? तो बना लिया करो, तुम्हारे पास हाथ नहीं है? जब भूख लगे मैंने मना किया किचन में जाने के लिए, जाओ बनाओ खाओ अपना। बात करने के लिए बुलाया है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा टाइम के। मैंने कहा तेरी इसलिए शादी करी थी, इसलिए लेकर आता हूँ, इसलिए पढ़ा लिखा कितना पढ़ा करा था, फिर क्या हो गया? हाँ तो फिर क्या हो गया, तुम्हें करना पड़ेगा सारा काम, उसका करना पड़ेगा घर का सारा काम। इस बुड्ढे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं थप्पड़ वप्पड़ बजा दूंगी इसमें, और कुछ नहीं है, करना पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, बाहर का काम कर लो, थोड़ा वो भाग के चली गई तो तुम कर लो ना काम, मेरा क्या होगा? इसको बोल दे नौकरानी रख दे, फिर एक कमाने जा, अब तक कमाए नहीं थे 40-45 साल तक, मेरे को खिलाया उसको, खिलाया था मेरे को, खिलाया ना, कमा के क्या किया तुमने? हैं? ना बैंक बैलेंस है, ना कोई गाड़ी है, सब मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। बेटा जब तुम करोगे ना तुम्हारे बच्चे पता चलेगा क्या नाम है, कितना हाथ में, उसी के लिए कर रहा हूँ, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, वो मेहनत कर रहा है, बच्चों को छोड़ दिया कहीं भी, कहीं भी काम नहीं तो मैं पैदा कर दिया और ऐसे कहीं फेंक दिया, ठीक है ना? पता नहीं कैसे कैसे मैंने पाला है, माँ बाप दोनों बनके मैं ही बनाऊँ, मुझे पता कैसे, मुझे मत सिखाओ तुम, ठीक है, मुझे मत सिखाओ तुम, शादी नहीं की, मुझे तुम मत सिखाओ, तुम्हें सारा काम घर का करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब जो कह दिया वो कह दिया, जो जैसे बोल रही है वो तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। खाना तो दे ही रही हूँ ना मैं तुम्हें, मना कर रही हूँ कुछ? अभी ना कुछ खाना हो तो अपने बना के खा ले, जरूरी है मेरे को उठाएंगे, मेरे हाथ से ही खाना है। मैं खाना बनाओ तो तुम कहते हो किचन गंदी कर दी, बकवास कर रहा है, बकवास क्यों कर रहा है, बकवास क्यों कर रहा है, बकवास क्यों कर रहा है, खराब काम करवा रही है, काम करवा रही है, करना पड़ेगा सारा काम, ये सोच रहा था खाना मिलता है वैसा मिलेगा, और बता, मुझे नहीं पता था ऐसा निकलेगा, तू बड़ा होकर ऐसी हरकत करे तो खाना भी नहीं मिलेगा। क्या किया मेरे लिए फिर तुमने, क्या किया तुमने फिर मेरे लिए, बताओ ना,
तूने क्या कर दिया मेरे लिए, तूने क्या कर दिया, मैंने तो तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, तुम्हें घर पे रख रहा हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। तेरा होके बैठेगा वो ना, वृद्धाश्रम में जाके छोड़ा था तुमको मैं, ये छोड़ा ओके, आज इसका ना आज इसका फायदा नहीं ले रहा, घर पे रहो और सारा काम करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, समझ नहीं आ रहा, मार खाने वाले कर्म है तेरे भाई, मार मत, बकवास नहीं, जो बात है ना क्लियर करो और चुपचाप जो हंसी बोलती है ना, जो बोलेगी वो तुम्हें करना है, चुपचाप होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं इसके कपड़े मैं क्यों धोऊं, इसके कपड़े सब धोना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा तुम्हें, जो कह रही हूं वो कर दो शांति से, हुआ है कि तू कह रही है उसके काम मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं, तुम्हें करना है, मैं बाहर, घर से इसे घर से निकाल, फिर घर मत आना, यहीं रहो, जैसा खाना मिल रहा है वैसा मिलेगा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, छोड़ दे, मैं भी वृद्धाश्रम जाकर, हम क्यों छोड़े, चले जाओ खुद, क्यों जाओगे, तुम घर पे ही रहोगे और ऐसे नौकर की तरह रहोगे, सुनो घर पे रहोगे और नौकर की तरह, तुम सुनो, तुम्हें नहीं यही रखना है घर में रखना है, मैं नहीं रहूंगी, इसको वृद्धाश्रम छोड़ दो, ठीक है, तुमसे जो कह रही हूँ वो करो, ऐसा है मैं क्यों जाऊँ, मेरा घर है, अच्छा तेरा घर है, अच्छा बनाऊ घर तेरा मैं, इसलिए शादी करवाई तूने, उस टाइम बोला ना तू प्रॉपर्टी देगा, तो बहू लेकर आया था, मैं सोचा भी बेटी की तरह रखूंगा, ये थोड़ी मैं तो बोल था कि मेरे पास तो बेटी की, मैं भी तो तेरे को बाप की तरह ही रख रही हूं, आ रही है कोई, मैंने ये तो अरे तेरे पे आते हैं ऐसे, अपने बाप को भी ऐसे मारा है बाबू, अपने बाप को ही मारा, तेरी हरकतों की वजह से तू अपनी बीवी भी खा गया, समझ में आई, अब मेरे को भी खाएगा क्या, मैंने क्या कर दिया तुम्हारे, तेरी वजह से मरी होगी वो, क्या कर दिया तो खाऊंगा मैं, इतना तुम्हारे को, तुम चाहते मैं काम करती रहूं, बेटी की तरह रखा हर चीज की छोड़ दी तुम्हारे को, और तुम मेरे को ऐसे कर रही हो कि ना मैं मार रही हो तुम मेरे को यहाँ पे, तुम इसको समझा रहे हो, अगर ये इस घर में रहेगा ना तो मैं नहीं रहूंगी, समझ रहे हो, समझा रही है ना, चुपचाप से समझ लो, और तुम्हें एक बार में जो है ना समझ आ जानी चाहिए, समझ रहे हो, बोल रहा हूँ क्या बोल रहा है, मेरी समाज, तू तो बेचारे जोरू का गुलाम, तू क्या, तुम क्या बोलेगा, मैं बताती हूँ ना क्या बोलेगा वो, मैं बताती हूँ तुम्हें, बहुत देर हो गई है, मार क्यों रही, तुम्हें मार भी नहीं, बैठ रहे, नहीं बैठ रहा, मार क्यों रही हो, मैं मारूंगी तो बहुत बुरी तरह से, तेरे को आपको भी ऐसे मारा होगा ना, अरे तू हट यहाँ से, तूने जो हरकत कर रखी है ना, वो भी तेरे पाप, हाँ क्या है, क्या बोल रहा है, मेरी भाभी के लिए, मेरे परिवार के लिए बोलेगा, सुन रहा है इसको, अब तो घर में रहेगा ना तो मेरी चप्पलें साफ करेगा, समझ में आई, करे तो तुम्हारी तेरी भाभी भी ऐसी करेगी तेरे साथ, और क्या, मेरे घर के बारे में फालतू बोल रहा है तू, है वरना बनाओ तेरा भरत, इसको बताओ पहले, इसको बताओ, ये देख रहे हो, ये तू तो रहने दे, तू तो रहने दे, तू तो रहने दे ना, इस ऐसे आदमी को ना उठाओ, इसको इसको उठा के फेंको, घर में रहना है तो ये चप्पले वपले ना तू साफ करेगा, यहाँ पे जो गंदी करी है तूने बुलवा के, मैं क्यों करूँगा साहब, मैं तूने गंदी करवाई है, तूने गंदी करवाई है, निकालूंगा दोनों को, मार दूंगी, अब एक काम कर, ये जो है ना चप्पल साफ कर मेरी, चल देख ले, देख कर ले, कर कर करना पड़ेगा तुझे, ये तूने गंदी करवाई है, करना, ये इसे साफ कर, जो कह रही हूँ वो कर, समझ में आई, कर कर साफ कर, ये चलेगा, तुम्हारे भी दिन आएंगे, क्या दिन आएंगे, हमारे दिन आएंगे, साफ नहीं करनी से पहना अभी, चल बैठ जल्दी पहना, पहना ना, और ये कुर्ते से साफ कर ठीक से, मैं तेरे मुंह से साफ कर दूंगी, ये क्या करवा रही हो, हाँ अब ठीक है, बैठ जा आजा, सुन जो कहूँ ना वो करना है, ध्यान से समझ ले, जो बोल रही है ना ध्यान से समझ ले, आज समझ ले, दोबारा नहीं बोलूंगी जीवन में, समझ में आ गई मेरी बात, ऐसे ही रहना पड़ेगा, बहुत गलत कर रहे हो, देखना मैं गलत नहीं कर रही, मैं तेरा भगवान सब देखता है, तुम्हें सब भुगतना पड़ेगा, मैं तेरा अच्छा कर रही थी, तूने खुद ही गलत करवाया, मजबूरी हमारी है, हम तो तेरे लिए अच्छा सोच रहे थे, हमने सोचा थोड़ा शरीर हिला लेगा तो पड़ेगा नहीं होल्डिंग पे, अच्छा सोचा अच्छा, लेकिन उसमें भी तूने हमें यहाँ पे बुला के जलील किया अलग, मैंने किसके सामने जलील करा, किसको बताया, तो पार्क में तो बैठे हैं ना हम, आते जाते लोग कोई देख रहे होंगे, मेरा शरीर लाने की बात करे, खुद अपना शरीर लालोगे तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ देख रहा फालतू बोल रहा है अभी तेरे बाप, मैं छोड़ के चली जाऊंगी अगर उसकी ऐसी हरकत रही तो, ज्यादा बोलेगा तू है, मेरे शरीर को क्या होगा, मेरे इस उम्र में काम होता है, इतना काम करने को, इस आदमी को यह समझा ले, वरना मैं तो रही हूँ, मेरा मूड खराब हो गया, इसकी अभी ऐसी तैसी मैं लगाऊंगी ठीक से, ठीक है लड़ाई को मैं, तुम्हारी औलाद तू रुक जा, तेरी मैं ऐसी तैसी करूँ, हाँ क्या दिक्कत है तेरी, हैं क्या दिक्कत, निकल तू, बैठने लायक ही नहीं हमारे साथ, तू बैठने लायक ही नहीं हमारे साथ, समझ में आ गई,
पीछे 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 हट के बात कर। पीछे कौन है? कौन हो भाई तुम? उसको क्यों मार रहे? कौन हो तुम? कौन हो भाई तुम? कौन हो मार पे? कौन हो भाई तुम? कौन हो तुम? कर यहां पे। ये कौन है? आ जाओ अंकल जी बैठो। कौन है ये? कौन हो तुम दोनों? पहले फाल तू हाथ कैसे लगा रहा है भाई? हां ओए भाई हाथ मत लगाओ। मैं पुलिस को फोन बाप है ना, अभी पुलिस को फोन करती हूं। अभी मारेंगे। और चुप। तुम कौन हो? बात करके करके चुप हो जा मोहन। हां अब बता कौन है तेरे ससुर? है मेरे तो ससुर की, ससुर की इज्जत ये इस तरीके से जूता साफ कराया जाता है ससुर से? तुम कौन हो? बाप का रिस्पेक्ट क्या होता है ये बता ना पहले। तुम कौन हो? तुम लोगों का पड़ोसी हूँ। ये अंकल काफी टाइम से परेशान है, मुझे रोज आके बताते हैं। बहू चार दिन का पुराना खाना दे रही है, ये कर रही है वो कर रही है। देख रहे घर की बुराइयां कर रहा है। घर की बुराइयां बाहर उसके। मैं घर वाला हूँ, क्या दिक्कत हो तेरे को? हमने तो नहीं देखा मेरी शादी में। सुनना, अबे तेरा ससुर है ना ये? मेरी शादी में तो नहीं देखा दोनों को? सुन मेरी बात सुन, तेरे ससुर है ना? हाँ है। तेरे पास भाई है? हाँ है। कलो करके तेरे भाई, सपोज डेथ तेरे भाई की शादी हुई, तेरे घर में जो भाभी आएगी वही सेम हरकत तेरे बाप के साथ अगर वो लड़की करे तुझे कैसा लगेगा? मेरा बाप ऐसी हरकत ही नहीं करता। जिससे कैसी हरकत? ये 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 क्या हरकत करते हैं बता दे? ये तुझे डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, क्या करते हैं? बाप बताओ, जब हाँ? मैंने इनको बोला खाना खाने चले जाओ, किचन में बना लो अपने आप। अच्छा, इस उम्र में, मतलब इन्होंने बेटा को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, इस उम्र में ये खाना बनाएंगे? तो मैं एक बात बताऊं, मैं क्या क्या करूं? घर का काम करूं, बाहर का करूं? अरे तो घर, तू अपने घर पे थी तो घर का काम नहीं करती थी? नहीं करती थी। बेटा मेरे ने कपड़े पड़े सब धुलवाती, पोछा भी। तेरे कपड़े ये धोएंगे? मेरे घर पे भी मैंने आज तक काम नहीं। तेरे कपड़े ये धोएंगे? घर के काम करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? काहे बोलेगी शादी करने के लिए? और वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं, खुद थोड़ी हाथ लगा रहे हैं। तो इनको रोटी क्यों नहीं देती है टाइम से? रोटी मैं बना के रखती हूं, खाया नहीं सकते ये? तू बीवी को समझाने के बजाय तू अपने बाप को ही मार रहा है। तू कैसा नालायक बेटा कि बाप पे हाथ उठा रहा है? मतलब चार दिन पहले बीवी आई, वो तेरी सगी हो गई, बाप जो पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया उसका कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है? इस दिन के लिए माँ बाप बच्चे औलाद बच्चे पैदा करते हैं माँ बाप, इस दिन देखने के लिए? यार बेशरम इंसान। तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिया था कि बेटी ससुराल में जा करके ससुर से जूता साफ करवाना, ससुर को खाना मत देना, उल्टा ससुर से काम करवाना, ये संस्कार दिया तुझे? एक बात बताओ, हाँ? सारा कुछ मैं घर पे दे रही हूँ, यहाँ पे आके बदतमीजी कर रहा है, ऊपर से तुम्हारे बुला रखा है और हम क्या, जानते थे क्या, ये क्या, ये क्या बदतमीजी करते हैं घर पे? एक बात बताओ। नहीं, ये क्या बदतमीजी करते हैं घर पे बताना? एक बात बताओ, तुझे गंदी नजर से देखते हैं? नहीं ऐसा कुछ। तो फिर ये क्या चाहते हैं? ये दो रोटी चाहते हैं प्लेट में खाने, वो अरे दो दो दिन का बासी रोटी इनको क्यों देती है? दो ताजा रोटी बना के नहीं दे सकती है? बताओ, जो मैं रोटी बनाती हूँ अगर वो नहीं खा रहे तो अन्न वेस्ट होता है। तो ये रोटी अंकल जी क्या बोल रही तुम्हारी बहू? प्लेट में वो नहीं खा रहे, जो मिले वो खाना पड़ेगा, आपने बना के खा ले। दाल बना दू इसके लिए? जब 3 साल का, जब इसकी माँ मर गई, मैंने तो ऐसे। अरे बकवास मत कर, इस उम्र में भी चटोरापन है? इस उम्र में ये मोमोस मांगते हैं? इनको खाने को अगर दाल दे दो, ये बात बताओ, 60 साल की उम्र, ये तो बोल दिया 60 साल की उम्र है हमारी, ठीक है, ठीक है? अब उस उम्र में खाने के लिए तो नॉर्मल चीज होंगी, दाल वाली दूंगी वरना बीमार हो जाएंगे। सेहत का ध्यान रख के नॉर्मल चीज बना के देती हूँ, तो इनको वो खानी नहीं है, मैं छोड़ देते हैं, छोड़ देते कौन खाएगा? तो ये क्या क्या मांगते हैं खाने के लिए? कभी ने शाही पनीर चाहिए होता है, कभी अच्छा। ने मलाई कोफ्ता चाहिए होता है। अब एक बात बताओ, मैं बना के दूंगी, मैं ड्यूटी कर रही हूं, घर आ रही हूं। तू इतनी संस्कारी बहू कि तू शाही कोफ्ता और शाही पनीर इनको बना के खिला रही है? मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। अरे तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने बोले मांग दिया। झूठ क्यों बोल रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही। तू सीधा बोलना कि मैं इनको खाना देती ही नहीं हूँ। मैं देती हूँ, लेकिन अभी देख, अभी हम लोग आए हैं तो तू यहाँ पे बातों को पलट रही है। अभी तू इन्हें क्या बोल रही थी कि तुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, तुझे बर्तन भी साफ करना पड़ेगा, चप्पल साफ करवा रही थी तू यहाँ पे? अच्छा, तूने इनसे चप्पल साफ करवाया या नहीं करवाया? हाँ वो मैंने करवाया। क्यों करवाया? आपसे भी करवाती है? नहीं मेरा बाप नहीं करता। तो फिर तुम्हारे बाप नहीं है? अरे यार मेरे बाप ऐसे। अरे उसकी क्या गलती है भाई, इसको क्यों हम लोग बोल रहे हैं? गलती तो इसकी है, ये बीवी का गुलाम तो ये बना हुआ है। तुझे बाप की तमीज उमीज नहीं है? वे बाप को ये हरकत करवा रहा है, बाप पे तू हाथ उठा रहा है? ये अंकल जी, इसको पैदा होती मार क्यों नहीं दिया था जो आज आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं? शादी नहीं की इसके लेके, चौथी माँ खराब होती है।
मतलब बाप अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों को दे दे, लेकिन तुम लोग दो रोटी मत दो इनको बना करके। बना के दिए वो खाते नहीं है। शक्ल देख के तुझे तरस नहीं आया? शक्ल देख के तरस नहीं आया? तू जो मुंह फाड़ रही है शाही पनीर और कोफ्ता तू देती है इनको बना करके? नहीं देती, मेरे पे टाइम नहीं होता। तो तू दाल रोटी भी नहीं देती है इनको? सच्चाई ये है, वो नहीं खाते। चल पूछवा दे उनसे, पूछवा दे। दाल रोटी तो मैं देती हूँ, अब वो नहीं खाते दाल, फिर वही अगले दिन देती हूँ कि खाओ इसे जबरदस्ती। अंकल जी क्या बोल रही है ये? रुक जाओ रुक जाओ, अंकल की बात सुन लेते हैं। हाँ अंकल जी क्या बोल रहे? दाल बनाई एक बार, ठीक है, वे भी वही दे दी। हाँ शाम को भी वही दे दी। हाँ फिर दूसरे दिन भी वही देती है, वो उसमें बदबू आने लगते हैं, तो क्या उसे बदबू वाली दाल? हमने भी तो वही खाई थी। इन ये लोग वही खाना खाते हैं भैया? इनका तो घर में खाना बनता है, तो बाहर से खाना मंगा। ओहो अच्छा, छोड़ जाते बाहर चले जाते ये लोग। हाँ अपना मतलब ये लोग क्या करते हैं कि बुड्ढा खाएगा तो एक टाइम दाल बना दो, उसी को चार टाइम खिलाते रहो। हाँ अब बाकी ये लोग अपने होटल रेस्टोरेंट से खा रहे हैं खाना, है ना? तो दो टाइम इनको अच्छी रोटी अच्छी दाल बना के नहीं दे सकती है? एक टाइम देती है, मेरे पे टाइम ही नहीं होता। मैंने बोला नौकरानी रख लो, ये भी तो कमाने जाते थे, ये क्यों छोड़ के बैठे अपनी नौकरी आराम? तो मतलब क्लियर कट कर दो कि तू बोल कि मैं अपने ससुर को रोटी नहीं दे सकती हूँ। एक टाइम बना देती हूँ मैं, वो खा नहीं सकते क्या? एक टाइम कितने टाइम तक खाएंगे? ये दो दिन तक खाएंगे, सुबह से शाम को खा सकते हैं। सुबह का खाना शाम को नहीं खाते क्या लोग? तुम नहीं खाते होंगे? इसकी गलती है, ये सर पे चढ़ा रखा है। अब बता बे माँ बाप का केयर करेगा या नहीं करेगा? करूंगा भैया। की इज्जत करेगा, बाप को रोटी देगा? तुम बताओ। इस बुड्ढे के साथ अब एक मिनट नहीं रुक सकती भैया, मैं रही हूँ जा। अच्छा, आज मेरे अच्छा। तुम लोग यहाँ पे आके मेरे से बदतमीजी कर रहे हो, तुमसे तो मैं थाने में मिलूंगी अब। अच्छा अच्छा रुक जा रुक जा, जाने की जरूरत नहीं। हाँ रुकना, जाने की जरूरत नहीं, हम भी तो बता दें। हम लोग जो बदतमीजी किए तो पहले तेरी बदतमीजी हमने देखा और रिकॉर्ड भी किया, सामने कैमरा लगा कर। तो अभी तुम्हारे को कोई हक नहीं बनता। क्यों नहीं हक बनता? तुझे हक बनता है लेडीज को हाथ लगा? अच्छा अच्छा, तू कानून बता रही है? तुम्हें हक नहीं बनता। तो तुझे हक बनता है? गैर मर्द कोई औरत को छू नहीं सकता। अच्छा, गैर औरत अपने ससुर को कुत्ता बना के मार सकती है ना? ससुर है, ठीक है। तो ससुर को मारने का कौन? अरे कौन सा आईपीसी है, कौन सा धारा है, बता देना। मैं उसकी बहू। तो बहू बहू नहीं माँ बन रही है? तुम ऐसा है, पहले तो ये जो कैमरा लगाए से हटाओ। ये नहीं हटाऊंगा, ये तेरे बाप और माँ देखेंगे। हाँ चल, तू भी मेरे खिलाफ कंप्लेन कर, मैं भी करता हूँ तेरे खिलाफ। आ जाओ अंकल जी, जो जो परेशानी है सब इनके साथ, जो हरकत हुआ सबको ले चलो। हाँ हाँ बोल 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 बोल। हाँ हाँ बोल। ये नहीं डरती है, ये नहीं डरती है। चलो अंकल जी चलो। हाँ ठीक है चल, आ जा आजा 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 चल। मैं पुलिस बुला के ला रही हूँ। बुलाने की जरूरत नहीं है, सीधा चल।